मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, राम राम सा। आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री नीरज डांगी जी, श्री वैभव गहलोत जी, श्री समरजीत सिंह जी, श्री रतन देवासी जी, श्री मोतीराम कोहली जी, श्री सुखराम बिश्नोई जी, भवरलाल मेघवाल जी, श्री आनंद जोशी जी, श्री राम रामीला मेघवाल जी, श्रीमती रामीला रमीला मेघवाल जी, श्रीमती सरोज चौधरी जी, श्री लीला राम गरासिया जी, आप सबका और मंच पर उपस्थित सभी नेता गण का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। वीरों की यह धरती है राजस्थान, यहाँ आकर खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। और जालौर तो एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग कर्मठ हैं, यहाँ की धरती के मेहनती लोग हैं। जब यहाँ से आप बाहर भी जाते हैं, पलायन करके काम करके दिखाते हैं, बड़े बड़े व्यापार आपने बनाए, खूब रोजगार आपने दिलवाए। यहाँ पे भिनमाल में मोजड़ी का उद्योग है, आप सबका बहुत बहुत आदर करते हैं हम। और क्योंकि मैं आपका आदर करती हूँ, आज मैं आपसे कुछ सीधी सीधी बातें करना चाहती हूँ। वरना चुनाव के समय क्या होता है कि लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, अक्सर आपको भी लगता होगा कि नेता भाषण दे रहा है लेकिन जो कहना चाह रहा है वो सच्चाई कह रहा है कि नहीं, आपके सामने जो असलियत है वो रख रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ बातचीत करूँ, आपके सामने एक सच्चाई रखूँ, ताकि जब चुनाव आएगा, जब आप जब दिन पोलिंग का दिन आएगा, तो आप ठीक तरह से अपने विवेक को इस्तेमाल करके पूरी जागरूकता से अपना वोट दे पाएं। देखिए, चुनाव का जो समय होता है वो हिसाब लेने का समय भी होता है कि नहीं। अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था, आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ, कौन बताएगा? बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी, आज क्या हालात है? आज मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है। और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। अब अगला चुनाव आया है, देश का, पूरे देश का चुनाव है, तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है कि जो आपके लिए अच्छा हो रहा था वो बंद कर दिया गया है, तो क्या पूरे देश में आप ऐसा चाहते हैं? तो ये तय करने का समय है कि आप चाहते क्या हैं। आजकल चुनाव के समय एक अजीब अजीब सा माहौल बन गया है, आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, अजीब सी बहकी बहकी बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। अभी राजस्थान आए तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव सा, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है,
कभी कबीरदास जी को गोरखनाथ जी से मिलवा लेते हैं अपने भाषण में, कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी बादल में मिसाइल छोड़ देते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी ईमेल उस समय की बात करते हैं जब ईमेल था ही नहीं, उस जमाने की बात करते हैं कि मैंने तब ईमेल भेजा, कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी समुंदर के नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ बहनों और भाइयों, आप दूर दूर से यहाँ आए हो एक नेता की बात सुनने के लिए, इन बातों से आपके जीवन का क्या मतलब है बताइए, कोई मतलब है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी आपकी समस्या आज क्या है? क्या है? महंगाई है। मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं, 10 सालों में आप बताइए मुझे महंगाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना। आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है, किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीदवाया? मेरी बहनें सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहाँ थे मोदी जी? चुनाव नहीं था ना बहनें, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? नहीं तो अब तक आप अगर दुकान जाती हैं, आजकल नवरात्रि का समय है, त्यौहार का समय है, आप दुकान जाती हैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे इस समय, या कुछ खरीद और जूते खरीदने के लिए, या फिर सब्जी भाजी खरीदने के लिए अगर आप दुकान जाती हैं तो क्या होता है? घबराहट होती है कि नहीं, कि आधी चीज़ें खरीद नहीं पा रही हैं, मुश्किल से आप पैसा इकट्ठा करती हैं। जब कोई बीमार होता है घर में तो इलाज के समय क्या होता है? जमीन बेच देते हैं अपनी, जमीन बेच देते हैं। बच्चों की शादी करानी पड़ती है तो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। तो जब ये है आपकी स्थिति, जब आपका जीवन हर रोज आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे भाई हों जो खेती का काम करते हैं, आप बताइए खेती में जो जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं वो महंगे हुए हैं कि नहीं? पेट्रोल डीजल तो छोड़िए, लेकिन हर चीज पे आपको GST देनी पड़ती है कि नहीं? उससे क्या हुआ, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं। खेती किसानों किसानी में से जो नौकरियां जो रोजगार मिलते थे वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि खेती से कमाई नहीं हो रही है। जो सामान आपको इस्तेमाल करने होते हैं, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, उस पे GST भर भर के आपकी कमर तोड़ी जा रही है। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कानून लाए थे ये लोग कि सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के फायदे के कानून। जब किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली में गए, महीनों के लिए सर्दी में बैठे, प्रधानमंत्री जी का घर कुछ किलोमीटर दूर था, प्रधानमंत्री मोदी जी निकले ही नहीं, बात नहीं की, सुनवाई तक नहीं की, ये नहीं सोचा कि लाखों किसान महीनों से सर्दी में बैठे हैं, उनकी कम से कम हम बात सुन लें। फिर क्या हुआ,
उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, किसान बैठे हुए थे बाहर दिल्ली के, महीने बीत गए किसी ने पूछा नहीं। जैसे ही चुनाव आने लगा मोदी जी ने काले कानून रद्द कर दिए। तो आप नीति समझिए और नियत समझिए इनकी। इनकी नियत ठीक नहीं है, इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है, आपने कहा किसी की शादी होती है जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई, आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 करोड़ रुपए के इनके कर्ज माफ किए हैं। अब आप सोचिए, 16,000 रुपए का कर्ज था, माफ किया गया, और जो किसान सड़क पे बैठा हुआ अपना हक मांग रहा था, जो किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, जो किसान कर्ज में डूब रहा है, उसका कर्ज माफ करने की बात ही नहीं। आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है पूरी मीडिया में, टीवी पे, आप फोन खोलेंगे तो फोन पे आपको यही दिखाई देता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, सब बहुत खुशहाल है। ये सच्चाई है क्या? जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति आ रहे हैं देश में और G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो हम भी भारतीय हैं, हमें भी गर्व होता है। ऐसी बात नहीं है, आपको भी गर्व होना चाहिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस देश की एक और असलियत नहीं है? इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश का गरीब रोज सुबह शाम संघर्ष कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि आप जो यहाँ बैठे हैं आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार देने के बजाय क्या कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी स्कीम ला रहे हैं। राजस्थान ने, उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, यूपी ने अपने बेटों को अब हमारे सरहद पे भेजा, शहीद होने के लिए भेजा। आज की बात नहीं है, पीढ़ियों से आप भेज रहे हैं। आपके दिलों में देशभक्ति की भावना है, आपके दिलों में देश के लिए प्रेम है। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे, रक्षा करेंगे देश की, और आपके बच्चे जैसे ही नौजवान बनते हैं दौड़ लगाना शुरू करते हैं। मैंने आंखों से देखा है। मैं जब गिरफ्तार हुई थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, मैं लखीमपुर खीरी में थी, यूपी में, उस समय कुछ किसानों को एक मोदी जी की सरकार के एक मंत्री ने कुचल दिया था। 6 किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे। मंत्री के बेटे ने, शायद मंत्री ने जीप के टायर के नीचे कुचल डाला था। हम उन्हें मिलने जा रहे थे, उस समय पुलिस हमारे पीछे पीछे थी और हमें पकड़ने के लिए आए कि आपको गिरफ्तार करना, आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनके परिवारों से मिले। तो सुबह के 3:30 बजे थे, अंधेरा था अभी, और हम एक गांव के बाहर रुके हुए थे कि हम किस तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचे पुलिस के बिना, के पकड़े बिना। उस समय मैंने देखा कि 15-20 लड़के नौजवान एक ग्रुप में दौड़ लगा रहे हैं। तो अचानक मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, अभी तो रात हो रही है, सुबह हुई भी नहीं है, सूरज उगा भी नहीं है, ये बच्चे दौड़ लगाने किस लिए निकले हैं? फिर
फिर वो रुके, उन्होंने बातचीत की हमसे, पता चला कि सेना के लिए तैयारी कर रहे थे, इतने इतने से थे, अभी तो उनकी उम्र भी नहीं आई थी सेना में भर्ती होने की, लेकिन तैयारी तब से कर रहे थे। क्या उम्मीदें होंगी उनकी, क्या आशाएं होंगी, दिल में कैसी भावना होगी देशभक्ति की, और ये भी भावना कि अपने माता पिता के लिए बड़े होकर हम कमाएंगे, एक स्थायी रोजगार मिलेगा, सेना में हम भर्ती होंगे, हमारे माता पिता को गर्व होगा और हम उनका देखभाल कर पाएंगे। ये भावना ये मोदी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं वो ये भावना को समझ नहीं सकते। उन्होंने इन सब आशाओं को चूर चूर कर दिया, इन उम्मीदों को खत्म कर दिया। वो समझे नहीं कि सेना में भर्ती होने का मतलब क्या है नौजवानों के लिए और तमाम देश की जनता के लिए, समझ नहीं पाए। अब उन्होंने वही चीज़ चार सालों की कर ली। चार सालों के लिए कौन करेगा? एक बच्चा आया हमारे पास मुंबई में, मेरे भाई की यात्रा थी, पास आया, रोने लगा, कहा कि आपको मालूम है दो बार मैं भर्ती हो चुका हूँ, मेरा नाम आ चुका है सूची में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है दीदी, पाँच सालों के लिए हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये काम करूँ। पिताजी भी कह रहे हैं बेटा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, पाँच सालों के लिए तुम जाओगे, क्या पता क्या होगा, स्थाई तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरे जीवन के लिए तुम कमा नहीं पाओगे, वापस आओगे तो क्या होगा। तो अब ये स्थिति हो गई है कि रोजगार बनाने के बजाय आप रोजगार घटा रहे हैं। खेती से रोजगार बनता था, आज खेती में कमाई नहीं बची। छोटे छोटे जो कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, जो यहाँ के इतने सारे व्यापारी हैं, आप रोजगार बनाते थे, आज आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं जीएसटी से, नोटबंदी से, ऐसी नीतियों से जिससे आपकी भी कमर टूट रही है, जिससे आप खुद कमा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है ये आपके लिए नहीं चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक ये बात गहराई से समझी है। हम इस बात को समझे हैं कि पिछले 10 सालों के लिए मेरी बहनें आपके साथ अन्याय हो रहा है, मेरे भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, बहनें आपके साथ अन्याय हो रहा है। हम इस बात को गहराई से समझ रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें लाएं इस देश में जो आपको मजबूत बनाएं। जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ हो रहे हैं, जिस तरह से देश की पूरी संपत्ति इनको दी जा रही है, हवाई अड्डे इनके हो गए हैं, बड़े बड़े कारखाने इनके हो गए हैं जितने सरकारी थे, जहाँ से रोजगार मिलते थे, बंदरगाह इनके हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी संपत्ति वापस आपके हाथों में आए, क्योंकि बहुत संघर्ष हो गया है और आप झूठों के बहुत शिकार हो गए हैं। आपको सिर्फ झूठ ही झूठ बताया जाता है, सच्चाई आपके सामने रखी ही नहीं जाती। हमारी इच्छा है और हमने ये घोषणा की है कि केंद्र में जो 30 लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं उन्हें हम भरेंगे। अगर एक नौजवान स्नातक पास होता है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, हम उसको अप्रेंटिसशिप के तौर पे, जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको एक साल के लिए किसी के में जॉब लगा देते हैं, एक साल के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं और वो सीख भी लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये मौका नहीं मिलता। तो हमने कहा है कि हम आपके लिए ये मौका बनाएंगे। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए। जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, मतलब जो डिलीवरी के होते हैं, डिलीवरी स्कूटर पे डिलीवरी करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, उनकी आजकल सामाजिक सुरक्षा नहीं है, हम उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे।
5,000 करोड़ का हम एक फंड बनाएंगे जो सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। आप ताली बजा रहे हैं, नौजवान हैं, अगर आप एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, एक स्टार्टअप बनाना चाहेंगे, अपना छोटा बिजनेस, तो इस फंड से आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। और पूरे देश में ये एक सिलसिला बन गया है कि जहाँ जहाँ आप इम्तिहान दे रहे हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें घोटाले हो रहे हैं, 20-20 लाख के लिए नौकरियाँ बिक रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हम पूरे देश भर में एक कानून लागू करेंगे, और एक सख्त कानून होगा। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर का मतलब कि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, वो पहले से तय करके जॉब कैलेंडर में आपको पता चलेगा। अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की, इधर उधर करने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये कानून लाएंगे हम। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। बहनों, आपके लिए जो महिला सबसे बड़ी महिला है एक परिवार में, उसके लिए 1,00,000 रुपये मिलेंगे सालाना, हर साल, ताकि आप कुछ बचत अपनी कर पाओ, ताकि ये घबराहट ना हो कि बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, नई वर्दी खरीदनी है, नए जूते खरीदने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए हम आपको सशक्त बनाने के लिए ये कर रहे हैं। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं पूरे देश भर में, उनमें से 50% महिलाओं को देंगे। आज सबसे शोषित देश में श्रमिक ही होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है, खास तौर से जो पलायन करके जाते हैं। आपने देखा कोविड के समय किस तरह से अपने गांव-गांव तक पैदल चले, क्या हुआ उनके साथ। उनके साथ जैसे मैंने कहा, सुरक्षा नहीं होती है, वेतन भी जो जी चाहे वो दे देते हैं जो ठेकेदार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि खास श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार हम कानूनी गारंटी बनाएंगे, ताकि जांच से इलाज तक पूरी सेहत और देखभाल उनको मुफ्त में मिलेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी हम तय करना चाहते हैं, ताकि आपको 400 रुपये प्रतिदिन के कम से कम कोई नहीं दे पाएगा। और जो शहरी क्षेत्रों के लिए, जैसे हमने यहाँ गांव के क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी, आपको मालूम होगा मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया था, उससे 100 दिन का जो रोजगार था वो आपको गारंटी मिलता था। ये अलग बात है कि मोदी जी ने उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की। शहरों में भी आपको इस तरह की रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, और दे के दिखाएगी। मैंने अग्निवीर की बात की, अग्निवीर की जो स्कीम है उसको पूरी तरह से हम रद्द करवाएंगे। जैसे पहले सेना में आप जाते थे मान सम्मान के साथ आजीवन काम करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैसे आप फिर से जाएंगे। देखिए, मैंने किसानों की बात की, मैंने आपसे बताया कि GST आपके जो खेती के सामान है उस पर हम रद्द कराएंगे, कि MSP आपको एक कानूनी आपका अधिकार बनेगा, कानून बनेगा कि आपको MSP मिलना है। और जो आपका नुकसान होता है जब आपदा आती है, आपको उसका भुगतान अभी तक मिलता नहीं है। कभी कम मिलता है, कभी टाइम पे नहीं मिलता, कभी आप महीने इंतज़ार करते हैं, साल इंतज़ार करते हैं, नहीं मिलता। तो हम ऐसे नुकसान के भुगतान के लिए हम 30 दिनों की सीमा रखेंगे, 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। एक नई कृषि की आयात निर्यात की हम नीति लाएंगे,
जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीन वितरित करेंगे। ये सारी स्कीमें हम आपके लिए लाना चाहते हैं। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ राजस्थान की सरकार थी तो आपके लिए कितने काम किए। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ गारंटी दी है वहाँ आज भी ये चीज़ें लागू हैं। हमने कहा था ओपीएस आपको, आप ओपीएस होगा, कर्नाटका में ओपीएस मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी मिल रहा था वहाँ पे। हमने कहा था महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये देंगे, कर्नाटका में आज मिल रहा है। हमने यही हिमाचल में कहा था कि 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, मिलना शुरू हो गया है। तो जो बातें हमने की हैं वो हमने करके दिखाई हैं, खोखली बातें नहीं हैं जैसे मोदी जी आपके सामने करते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए, 10 साल बीत गए हैं, कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और 10 सालों में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है। तो मोदी जी जो बात करते हैं आपसे वो खोखली बातें हो गई हैं। हो सकता है एक जमाने में 10 साल पहले जब शुरू में उन्होंने की थी, हो सकता है उनकी भी इच्छा थी कि वो पूरी करेंगे, लेकिन अब वो इच्छा भी नहीं है। अब साफ साफ दिख रहा है कि सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कि इस देश के गरीब के संघर्ष को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, शायद इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया भ्रष्टाचार के बहाने। सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसियां इतना दबाव डाल दिया भ्रष्टाचार कह के, और जब चाहते हैं कि कोई उनकी पार्टी में आ जाए तो अचानक वो भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो जाती हैं। वही लोग जिनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं, मोदी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि ये 1000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, वही लोग जिस दिन मोदी जी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं उस दिन मोदी जी ये सब बोलना बंद करते हैं, केस धुल जाते हैं, भ्रष्ट नहीं रहते, वही लोग पाक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनका क्या है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दिया है उसकी सूची निकाल के हमें दीजिए। तो क्या हुआ, पहले तो सूची मिली नहीं इनको, फिर जब फिर से कोर्ट ने बोला कि नहीं सूची दिखाइए हमें, तो सूची निकली और सूची में पता चला कि मोदी जी ने जितने भी भ्रष्ट व्यापारी हैं उनसे तो चंदा ली ही, वो जो पुल गिरा था गुजरात में उससे, जिसने वो पुल बनाया उससे चंदा ली। आप सोच सकते हैं कि ये जो कोविड की जो टीका लगा आपको, जो वैक्सीन लगी उसको लगाने वाले से भी चंदा ली मोदी जी ने। सबसे ज्यादा चंदा मोदी जी ने ली जो लॉटरी चलाते हैं उनसे भी ली, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे या तो सबको ठेका दिया या किसी की पे एजेंसी लगा दी, चंदा ली एजेंसी हटा दी, किसी को ठेका दे दिया कि तुम पुल बनाओ, तुम सुरंग बनाओ, तुम सड़क बनाओ, उसके लिए चंदा ले ली। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि 1000 करोड़ रुपए आपने इस तरह से अन्य लोगों से ली? तो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो भी इनकी खोखली हैं। कहते हैं यहाँ आकर कि मैं अकेला भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, पब्लिक से समर्थन मांगते हैं। सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं ये, सिर्फ विपक्षी दलों का मुंह बंद करना चाहते हैं। किसी भी बहाने किसी का घर ले लिया, किसी पे केस डाल दिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं।
हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। यही हमारा धर्म है और असली धर्म यही होता है। हर नेता का यही धर्म होना चाहिए। धर्म की बहुत बातें सुनते हैं आप, धर्म के नाम पे आपको बहकाया जाता है, लेकिन धर्म के नाम को जो अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल करता है वो धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक इंसान वो होता है मेरी बहनें, जो सेवा को समझता है, जो अपने पास वाले को, जो भाई बहनों की मदद करता है, जो सच्चाई बोलता है और जो धर्म का इस्तेमाल अपने लिए नहीं लेकिन लोगों की भलाई के लिए करता है। इसीलिए मैं खास आपसे आग्रह करने आई हूँ आज कि इनकी बातों में मत पड़िए। बहुत हो चुका है, आपने 10 साल अपना अनुभव देखा है, आपने संघर्ष किया है। इस बार इस चुनाव में आपका वोट किसी एक नेता को नहीं मिलना चाहिए, आपका वोट अपने ही पक्ष में जाना चाहिए, आपका वोट अपने लिए लगना चाहिए, डलना चाहिए। अपने बारे में सोचिए, 10 साल गुजर गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मेहनत से कमा के उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, खेती में कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या 5 साल और आप ये चाहते हैं? आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो ऊपर से ऐसे दिखे कि आपको सोने का कोई डब्बा दे रहा है, डब्बा खोला तो कुछ खाली है, सब कुछ खाली है, और खूब प्रचार के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। इस गलत फहमी में मत पड़िए। अगर आपको दिया होता तो आज ये आपकी परिस्थिति नहीं होती। अगर आपको सचमुच एक सरकार मिली होती जो आपके हित में काम कर रही होती तो आपकी आज ये परिस्थिति नहीं होती कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं, कि आप गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। आपको इस दलदल से निकलना है तो एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, जो आपको गरीबी से निकाले। आपको मालूम नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला और बीजेपी की ये जो सरकार है वापस उनको गरीबी में ढकेला है। तो आप समझिए इन बातों को गहराई से। मेरी तो यही आग्रह है कि ध्यान से आप हर चीज को समझिए, अपने जीवन को देखिए, तरक्की आई नहीं आई। तरक्की नहीं आई है 10 सालों में तो फिर से ये सरकार मत लाइए, क्योंकि कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अपने देश को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो ये देश किसी G20 से बड़े बड़े इवेंटों से आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश का गरीब जब सक्षम होगा, इस देश का एक एक नौजवान जब अपने पैरों पर खड़ा होगा, जब एक एक महिला पढ़ी लिखी होगी, जब उसको भी रोजगार मिलेगा, जब देश का किसान गर्व से कह पाएगा कि आज मैंने इतना कमाया अपनी खेती से, अपने बच्चों की भूख मिटाई है अपनी खेती से, तभी यह देश सक्षम होगा, तभी यह देश आगे बढ़ पाएगा। तो जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूं कि आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे। इस बार किसी मोदी सरकार को मत लाइए। ये जो बोलते हैं ना बार बार मोदी सरकार, बंद कर दीजिए इसको। इस बार जनता की सरकार लाइए, अपनी सरकार लाइए, कांग्रेस की सरकार लाइए, ताकि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपके हाथों में आए, आपकी संपत्ति आपको वापस मिले और आपका हमारा देश आगे बढ़े। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी। मेरी बहनों को घर भी जाना पड़ेगा तो मैं आपको छोड़ती हूँ अब, और आपसे आग्रह फिर से करती हूँ कि आपने जिस तरह से मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं
उतने ही ध्यान से, एकदम जैसे अर्जुन की आंख मछली की आंख पर अर्जुन का निशाना, अर्जुन का ध्यान रहता था, उसी तरह से अपना ध्यान अपने ऊपर रखिए, अपने विकास के ऊपर रखिए। हिसाब मांगिए मोदी जी से और इनकी सरकार बदल डालिए। जय हिंद।